सोमवार को सूचना मिली थी कुछ फोकस है वो किसी के फिराक में है, जिस पर ग्राम रतनपुरा के जंगलों में ड्यूटी लगी थी और चेकिंग की जा रही थी, तभी दो बदमाश आए तो उनको घेराबंदी की गई, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी, दोनों पर अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में दोनों थाना सवार के निवासी निकले, दोनों इसी सेटर हैं, उनके विरुद्ध कई मुकदमे गोकशी के पहले से, और उनके पास से मोटरसाइकिल, तमंचे, रूखा कारतूस, जिंदा कारतूस व गोकशी के जो औजार हैं, पन्नी, रस्सी आदि मिले हैं। अभी ये दोनों जिला स्तर में बरती हैं, हालत सामान्य है। जिस तरह से ये विभिन्न कार्रवाई की जा रही है, तो और किस तरह के बनाया गया है प्लान गोकशी पर रोक लगाने के लिए? देखिए, जहाँ जहाँ पॉकेट्स है वहाँ हमने ड्यूटी लगा रखी है, अपना सूचना तंत्र विकसित किया है, तभी इस तरह की घटनाओं में रोक आई है। अब पिछले कई महीनों से ऐसी कोई भी गोकशी सूचना सामने नहीं आई है, तो जो प्रयास भी करते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद में गोकशी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।